प्रिज्म का टॉपिक था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। पॉइंट नंबर वन ये समझ लिया जाए कि अगर आपके पास एक प्रिज्म है और आप प्रिज्म में लाइट को पास करें, वो सात रंगों में टूटेगी ही टूटेगी, डिस्पर्शन तो होगी ही होगी, और लाइट जब बाहर निकलेगी वो डेविएट होगी ही होगी, मुड़ेगी ही मुड़ेगी, दोनों चीज़ें होनी ही होनी है। अगर आप एक प्रिज्म लेते हैं, मैंने क्या बताया, अगर आप एक प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म के अंदर से लाइट जब पास होगी सात रंगों में टूटेगी टूटेगी, डिस्पर्शन तो होगी होगी, और साथ में ये भी बताया कि वो मुड़ेगी मुड़ेगी, डेविएशन तो होगी होगी। मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, एक प्रिज्म नहीं, यहाँ पर मैं दो प्रिज्म रखने जा रहा हूँ, एक प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म है। तो ये एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, ये जो पहला प्रिज्म है इसका नाम है क्राउन ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, और दूसरा प्रिज्म फ्लिंट ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है। तो मटेरियल दोनों के डिफरेंट हैं, और ये बहुत पतले प्रिज्म हैं, ये थिन प्रिज्म्स हैं। इसके अंदर ये एंगल, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। अब टॉपिक का नाम है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब कि सात रंगों में तो लाइट टूटे पर डेविएशन ना हो, मुड़े ना। ये देखो कैसे लाइट आई, सात रंगों में टूटी, रिफ्रैक्शन सात रंगों में, और बाहर निकलते हुए ध्यान से देखो सात रंग बाहर निकले, विबग्योर का पैटर्न बाहर निकल रहा है, तो डिस्पर्शन तो हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसकी जो मीन लाइट है, मीन लाइट कौन सी होती है, येलो लाइट, येलो लाइट इसके पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब देयर इज नो डेविएशन, मुड़ी नहीं, नीचे नहीं मुड़ी, इस लाइन के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब नो डेविएशन। तो डिस्पर्शन सात रंगों में टूटी पर नो डेविएशन, इसे बोलते हैं। और ऐसा एक प्रिज्म से कभी हो नहीं पाएगा, ऐसे दो प्रिज्म से ही हो पाएगा। तो इसके लिए अगर आप फर्स्ट प्रिज्म के लिए डेविएशन निकाल लें, अगर अकेला एक ही प्रिज्म होता तो ये डेविएशन थी, अकेला दूसरा प्रिज्म होता तो ये डेविएशन थी। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास है और म्यू डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास है, पर मुझे पता है कि फाइनल दोनों के मिला के डेविएशन तो हुई नहीं, यानी कि दोनों का डेल्टा और डेल्टा डैश क्या इक्वल टू जीरो। तो तुम इन दोनों का सम इक्वल टू जीरो पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी, इसको बॉक्स में डाल लो। अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव आ गया, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन की ए और ए डैश की रेशियो निकाल लो, तो रेशियो ये होगी। तो ये रेशियो निकाल लो, क्या आवाज कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो टोटल डेविएशन का सम क्या है, जीरो। तो ये फॉर्मूला नोट करो, नंबर वन। नंबर टू, इसमें सात रंगों में लाइट स्प्लिट होगी, जब सात रंगों में लाइट स्प्लिट होगी तो वॉयलेट और रेड के बीच में डेविएशन का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, ये क्राउन ग्लास का है, ये फ्लिंट ग्लास का है, अलग अलग। अब इस केस में टोटल एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगी, इन दोनों का सम होगा, क्योंकि डिस्पर्शन तो हो ही रही है ना, डिस्पर्शन तो जीरो नहीं, सात रंगों में तो लाइट स्प्लिट हो ही रही है। तो इन्हें ऐड कर दिया, नेट एंगुलर डिस्पर्शन, इसकी वैल्यू को ऊपर से नीचे पुट कर दिया, ए को कॉमन निकाल लिया, तो ये वन हो गया, ये ए डैश बाय ए हो गया। तो यहां से ए डैश बाय ए की वैल्यू को ऊपर से नीचे पुट किया, ये डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। एंड रिजल्ट ये आया, डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ओमेगा और ओमेगा डैश का मतलब डिस्पर्सिव पावर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा बनेगा, डिस्पर्सिव पावर। तो आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए इसमें, कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन के अंदर, सॉरी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के अंदर जो भी हमने किया उसमें एंगल्स का रेशियो ये है, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ये यहाँ से सॉल्व होगा। और दूसरा ये कंडीशन, वो पूछेगा नेट एंगुलर डिस्पर्शन कितनी है, तो डेल्टा, डेल्टा का मतलब है मीन डेविएशन, येलो कलर की डेविएशन है ये डेल्टा, न रेड की ना वॉयलेट की, मीन डेविएशन, और माइनस डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। ये दो फॉर्मूले काम आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, हालांकि बहुत रेयर है इस क्वेश्चन का आना, बट फिर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो इसलिए बता दिया। हाँ, एक चीज़ आई हुई है पेपर में, वो मैंने भी देखी है थ्योरी का, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्राउन ग्लास। फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना क्राउन से बड़ा होता है,
और ओमेगा डैश डिस्पर्सिव पावर भी फ्लिंट की बड़ी होती है क्राउन ग्लास से, ये याद रखना, ये दो फैक्टर याद रखना। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई तरीका नहीं है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट केस है वो है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब कि सात रंगों में लाइट स्प्लिट ना हो, वाइट की वाइट लाइट ही बाहर निकल जाए पर डेविएट होके निकल जाए। अब दो प्रिज्म फिर से लिए, क्राउन एंड फ्लिंट, वाइट लाइट आई सात रंग में टूटी, सात रंग में टूटी लेकिन फिर जुड़ गई, वाइट लाइट में बाहर निकल गई, तो यानी कि डिस्पर्शन तो नहीं है, सात रंगों में तो नहीं टूट पाई फाइनली, लेकिन डेविएशन है। ये वाला रास्ता लाइट का था और ये रास्ता फाइनल है, इनमें एंगल तो बनेगा, डेल्टा तो बनेगा, तो डेविएशन तो है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर फिर से फर्स्ट ग्लास के लिए आप ये एंगुलर डिस्पर्शन क्रिएट जो है नोट करें, सेकेंड के लिए करें, पर वो कह रहे हैं कि इस बार कोई डिस्पर्शन तो है ही नहीं, तो दोनों का सम क्या होगा? जीरो। तो जीरो करके ए डैश और ए का ये फॉर्मूला नोट कर लें। तो आपको अगर ये कह दें कि डेविएशन है डिस्पर्शन नहीं है, तो एंगल्स की ये रेशियो होगी दोनों की, फ्लिंट और क्राउन ग्लास की। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जरूरत नहीं आपको करने की, सीधा फॉर्मूला नोट करें, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फॉर नो डिस्पर्शन ओमेगा बाय ओमेगा डैश दोनों ग्लासेस की डिस्पर्सिव पावर डेल्टा डैश और डेल्टा के रेशियो के इक्वल होगी विद नेगेटिव साइन। ये मार्क कर लें, प्रूफ की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे प्रूफ करके? सीबीएसई में आना है नहीं और इसका कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ का मतलब कोई नहीं है। तो अगर न्यूमेरिकल आया तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म। ठीक,